हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल सुरेंद्र में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ये क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र -4,6 यानी -4,6 तथा त्रिज्या 8 है। अब हमें इस वृत्त का क्या करना है, समीकरण हमको बनाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला था वृत्त का वो समीकरण जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो। इसका होता है आर स्क्वायर, जिसका केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु 0,0, उसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। जिस वृत्त का केंद्र, सॉरी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो, ये उस वृत्त का समीकरण होता है जिसका केंद्र क्या हो, जिसका केंद्र एच कॉमा के हो। तो इसमें मूल बिंदु तो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में केंद्र हमें एच कॉमा के कितना गिवन है, -4,6, और त्रिज्या और रेडियस आर कितना गिवेन है, वो गिवेन है हमें 8। तो ये वाला अप्लाई होगा फॉर्मूला, तो अप्लाई कर देते हैं। एक्स माइनस -4 पहले से तो ब्रैकेट में -4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू आर की जगह क्या पुट करना, 8 स्क्वायर, ये हो गया। तो ये बना एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। इसको आप ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 64। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये प्लस 8x माइनस 12y, ये होगा 64 -16 -36, कितना हो गया ये, 64, 6 6 12, 2 3 1 4 1 5, 2 ये 12, ये 12 हो गया। तो ये आ गया आपका समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वन बाय वन मैं आपके लेक्चर्स को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आप कंटिन्यू फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल सुरेंद्र में। अब हम देखते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। क्या देखेंगे, वृत्त का व्यापक समीकरण और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब मैं दिखाऊंगा आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए क्या है, अभी तक आपने केंद्र एच कॉमा के हो और त्रिज्या क्या हो, त्रिज्या आर हो, उस वृत्त का समीकरण क्या होता था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी को अब हम क्या करेंगे, ये जनरल सॉल्यूशन होता था किसका, केंद्र एच कॉमा आर के त्रिज्या आर। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। यहाँ पे भी होल स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और ये पास में रख लिए, माइनस 2hx माइनस 2yk प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 0। ये सेम रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू एच है, माइनस 2y इंटू के है, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एच की जगह पे आप पुट कर दो माइनस जी, के की जगह पे पुट कर दो माइनस एफ, ठीक है, और इसकी जगह पे पुट कर दो सी, इसको सी इक्वल टू अंडर रूट
सी स्क्वायर इक्वल टू, सी इक्वल टू पुट कर दो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, पुट करके देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस जी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस टू जी एक्स, इधर पे माइनस एफ पुट करेंगे तो क्या आएगा टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये होता है, ये जो इक्वेशन बनकर आई आपके सामने ये होता है जनरल इक्वेशन। क्या होती है जनरल, इसके अंदर सारे इक्वेशन आ जाएंगे, वो दो जो आपके इक्वेशन थे केंद्र वाला और एच कॉमा के वाला, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। अगर ये आपको याद है तो आपका सब कुछ इसी से सॉल्व हो जाएगा, आपको दोनों इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो याद है तो बहुत अच्छी चीज है, अदरवाइज ये याद रखना है। तो इसका केंद्र क्या हो गया, केंद्र एच कॉमा के क्या हुआ माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस, रेडियस क्या हुआ सी, त्रिज्या सी इक्वल टू क्या हुआ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना, ये व्यापक और जनरल सॉल्यूशन है वृत्त का, ठीक है। तो इसी से सारे क्वेश्चन आपके लगभग लगभग सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई अदर क्वेश्चन याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये आपका वृत्त है, इसका केंद्र है माइनस जी माइनस एफ, त्रिज्या सी है, ठीक है सी। अब पूछ सकता है ये पी एक पॉइंट है, पी पॉइंट इसके वृत्त के अंदर है बाहर है या वृत्त पे ही उपस्थित है, कहां पर इसकी पोजीशन है, कैसे बताओगे। तो अगर पी का डिस्टेंस और केंद्र का डिस्टेंस ज्यादा है, पी और केंद्र के बीच की डिस्टेंस उसके रेडियस से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पी का ये हमारा केंद्र है, ये डिस्टेंस इससे ज्यादा है तो पी हमेशा बाहर रहेगा ना, सी से ज्यादा। अगर सी से कम है तो अंदर हो जाएगा पी, और सी के बराबर है तो क्या हो जाएगा सर्किल पे हो जाएगा, यही तो कंडीशन है। तो ये कंडीशन को मैं आगे बताऊंगा कहां पे कैसे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को मैं अभी देखता हूं, क्वेश्चन आपको एक गिवेन है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो, इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, केंद्र तथा त्रिज्या, कैसे करेंगे, ये आपको गिवेन है। ठीक, मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन क्या बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो टू जी एक्स तुलना करना तो जानते ही होंगे, टू जी एक्स क्या है एट एक्स, तो x से x कैंसिल, g इक्वल टू कितना है चार, टू फोर जा एट या दो चौके आठ, टू एफ वाई इक्वल टू क्या आया माइनस सिक्स वाई, वाई से वाई कैंसिल, f इक्वल टू कितना आया माइनस थ्री। मैंने आपको केंद्र का बताया था क्या होता है एच कॉमा के किसके इक्वल होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्या आया माइनस जी माइनस फोर माइनस माइनस प्लस थ्री। तो केंद्र के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट आपको आ गए माइनस फोर कॉमा थ्री, ठीक है, केंद्र आपको क्या आ गया माइनस कॉमा माइनस फोर कॉमा थ्री। त्रिज्या के लिए मैंने आपको बताया था त्रिज्या सी इक्वल टू क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो त्रिज्या का कैसे करेंगे, तो त्रिज्या हो गई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एक सेकेंड आर स्क्वायर, इधर पे मुझे एक डाउट है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही होना चाहिए त्रिज्या का, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो त्रिज्या का क्या आ जाएगा,
ये इक्वेशन सी इक्वल टू था, त्रिज्या तो आर होती है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। पीछे वाले लेक्चर में मैं ये इधर पे ये सी इतना कराया था, तो आर स्क्वायर त्रिज्या यहां पे क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, सॉरी इसमें नहीं था, हाँ इसी में था, सी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आर स्क्वायर यहाँ आएगा सी, तो आर इक्वल टू हो जाएगा रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इधर पे इसको करेक्शन कर लेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आर इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पुट कर देंगे, जी कितना है माइनस फोर का स्क्वायर स्क्वायर, एफ कितना है थ्री का स्क्वायर, सी कितना है, सी आपका यहां से कंपैरिजन में क्या आया था, सी सी आ रहा था माइनस इलेवन, तो सी इक्वल टू माइनस इलेवन, तो ये हो जाएगा प्लस इलेवन, तो ये आपका आ गया 16 प्लस 9 प्लस 11, तो ये आ गया आपका हो गया 36, तो आपका रेडियस आ गया 6, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन चलिए और ले लेते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो बेफिक्र होकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, ये सब आप किसी से ट्यूशन ही पढ़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई अच्छा सा क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं ताकि आपका और फंडामेंटल क्वेश्चन क्लियर हो सके, देखते हैं। हाँ अभ्यास माला का मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन है आपका 13.1 का, ये क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र मूल बिंदु पर तथा त्रिज्या 6 है। फर्स्ट क्वेश्चन है वृत्त का समीकरण ज्ञात करो त्रिज्या 6 केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को दो या तीन मेथड से आपको करके बताऊंगा, पहला सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत लोगों को आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दो या तीन मेथड से कैसे करके बताऊंगा। मैंने आपको बताया था केंद्र 0,0 और मूल बिंदु, उस वृत्त का समीकरण मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, त्रिज्या कितना गिवन है 6 स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 यानी 36, तो ये आपका पहले मेथड से सॉल्व हो गया। मैंने आपको दूसरा मेथड बताया, केंद्र एच कॉमा के हो तब वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच कॉमा के यहाँ पे क्या गिवेन है, मूल बिंदु, तो यहाँ पे 0,0 पुट कर देंगे, तो क्या हो गया एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 6 पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, ये दूसरे का वैल्यू दूसरे मेथड से हो गया। फिर मैंने बताया था व्यापक समीकरण और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है। इसमें केंद्र क्या होता था, एच कॉमा के ही होता था, उसके निर्देशांक क्या होते थे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और त्रिज्या क्या होती थी, त्रिज्या होती थी रेडियस आर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। पुट करेंगे तो हमारा एच कॉमा के या माइनस जी कॉमा एफ क्या है, 0 0, तो जी इक्वल टू भी 0 है और एफ इक्वल टू भी 0 है, पुट कर देंगे, और r इक्वल टू कितना के बिन 6, g इक्वल टू 0 है, 0 स्क्वायर 0, f स्क्वायर 0 माइनस c, c स्क्वायर करेंगे ये 36 आया, ये आया माइनस c, ठीक है।
तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 36। ठीक है, पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू माइनस 36, ये जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये आपने तीनों मेथड देखे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों से आंसर सेम आ रहा है, तो कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं रहना है कि भैया कौन सा यहाँ पे अप्लाई करें, केंद्र वाला अप्लाई करें, एच कॉमा के वाला अप्लाई करें, व्यापक अप्लाई करें, कोई भी अप्लाई कीजिए, बस उसको अप्लाई करना सही से आना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।